राज्य के नगर विकास विभाग ने कुछ दिनों पहले मनपा प्रशासन को पत्र लिखकर नए से प्रभाग रचना तैयार कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग के पहले से दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले ही तैयार किए गए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के प्रारूप की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किए जाने की खबर है। ऐसे में पुराने प्रारूप को यथावत मंजूर किए जाने के आसार बन रहे हैं। नगर विकास विभाग की तरफ से प्राप्त नए प्रभाग रचना तैयार करने के संदर्भ में कोई निर्धारित अवधि नहीं दी गई, उसी प्रकार दिशा निर्देश भी स्पष्ट नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 3 सदस्यीय प्रभाग रचना अनुसार तैयार रिपोर्ट को ही शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 सदस्यीय प्रभाग रचना अनुसार शहर में 52 प्रभाग तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पार्षदों की संख्या 156 होगी। वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से उसी के आधार पर प्रभाग की संख्या तय किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।